नमस्कार, मैं बहन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मैथमेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये वीडियो SSC CGL 2022 वाले जो एस्पिरेंट हैं, जो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म अपना भरने जा रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ये जो 10 पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ, ये आपके अगर क्लियर हो गए तो आप एक सही प्रेफरेंस चुन पाओगे और आपको एक सही जो पोस्ट है वो मिल पाएगी। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि पर्सन टू पर्सन पोस्ट प्रेफरेंस जो देने का तरीका होगा वो अलग होगा। वो क्यों होगा, क्योंकि हर एक पर्सन की अलग थिंकिंग है। जैसे किसी को होम पोस्टिंग चाहिए, किसी को दिल्ली पोस्टिंग चाहिए, किसी को यूनिफॉर्म वाली जॉब चाहिए, किसी को फॉरेन जाना है, किसी को पावर वाली जॉब चाहिए। उसके अलावा आपके जो टाइपिंग टेस्ट है वो कितनी एक्यूरेसी के साथ आप क्वालिफाई किए हैं, आपके कंप्यूटर में मार्क्स कितने हैं, तो इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करेगा। तो अगर आपके सामने ये सारे क्राइटेरिया रख दिए जाएं कि भाई अगर आपकी, उसके अलावा एज लिमिट का भी क्राइटेरिया होगा, ठीक है, तो एज लिमिट अगर आप मान लेते 27 से ऊपर है तो आपके लिए कौन कौन सी पोस्ट है, ठीक है, उसके अलावा दिल्ली पोस्टिंग चाहिए तो ये पोस्ट है, तो अगर आपको ये पता चल जाए तो आपका जो आधा काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। आप ये डिसाइड कर पाओगे कि हाँ हमारे लिए ये पोस्ट है और हमें इन इन पोस्टों में जाना है। तो इस वीडियो से आपको एक क्लियर कट आइडिया ये मिल जाएगा। उसके अलावा इससे नेक्स्ट वीडियो में हम बात कर लेंगे कि जैसे 250 से 270 वाले जो बच्चे हैं उनके लिए बेस्ट प्रेफरेंस क्या है, 270 से 300 वाले जो बच्चे हैं उनके लिए बेस्ट प्रेफरेंस क्या है, 300 से ऊपर नंबर वाले जो बच्चे हैं उनके लिए बेस्ट प्रेफरेंस क्या है। तो उससे जितने भी डाउट हैं आपके वो क्लियर हो जाएंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, जो भी पॉइंट्स हैं वो मैंने नोट डाउन कर लिए हैं और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपके जितने भी डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे और आपको एक, मतलब आप कहीं ना कहीं एक डिसीजन तक पहुँच जाओगे। अभी तक क्या है कि आप वीडियो तो बहुत देख रहे हो, ठीक है, लेकिन आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि हमें करना क्या है एक्चुअल में। तो कहीं ना कहीं 50 से 60% आपका काम हो जाएगा, आप ये डिसाइड कर पाओगे कि आपको जाना कहाँ है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो आपका क्लियर होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि कोई जो भी पोस्ट है उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। मान लेते हैं कोई पोस्ट ऐसी है जिसमें कलर ब्लाइंडनेस जो है वो अलाउ नहीं है और आपने वो पोस्ट भर दी, तो फिर आपके साथ वो दिक्कत हो सकती है। उसके अलावा मान लेते हैं GST इंस्पेक्टर है या एक्साइज इंस्पेक्टर है या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, उसके लिए हाइट क्राइटेरिया है। CBI की पोस्ट है उसके लिए आपको हाइट मांगी जाती है, लेकिन आपके पास हाइट नहीं है तो वो आपने अगर भर दिया तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। तो एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है किसी भी पोस्ट का, उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। पहला पॉइंट ये आप क्लियर कर लो। उसके अलावा अगर आपकी एज जो लिमिट है वो मान लेते हैं 27 से ऊपर है, ठीक है, तो आप कौन कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर आप, यहाँ पे मैंने लिखने का भी प्रयास किया ताकि आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो जैसे अगर आप 27 प्लस हो तो किन किन पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो और उसके अलावा आपके मार्क्स क्या होंगे उसका भी आपको आइडिया लग जाएगा। मार्क्स के हिसाब से तो कौन कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो इसका भी आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे कि अगर 27 प्लस हो तो आप AA में जा सकते हो, GST इंस्पेक्टर में जा सकते हो, प्रिवेंटिव ऑफिसर में जा सकते हो, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में जा सकते हो, उसके अलावा जितने भी ASO हैं उनमें जा सकते हो, इंस्पेक्टर आप पोस्ट की जो पोस्ट है उसमें आप जा सकते हो, IB में जा सकते हो, DA डिविजनल जो अकाउंटेंट है उसमें जा सकते हो, नार्कोटिक्स में जा सकते हो, ठीक है, JSO में जा सकते हो, NIA में जा सकते हो, ED में जा सकते हो। लेकिन अब यहाँ पे पंगा क्या फंसेगा, फिर जा तो सभी में सकते हो, मार्क्स आपके कितने हैं ये भी तो आपको पता होना। जैसे मार्क्स अगर बहुत अच्छे हैं तब तो ठीक है आपको ये पोस्ट मिल जाएंगे, लेकिन मार्क्स अच्छे नहीं है तो फिर आपके लिए कौन सी पोस्ट अच्छी रहेंगी। जैसे कि DA है, DA आपके लिए एक ऑप्शन रहेगा, ठीक है। उसके अलावा जहाँ जहाँ पे कम कट ऑफ जा सकती है, जैसे GST इंस्पेक्टर है वो आपको मिल सकता है थोड़े बहुत अगर कम नंबर है, ठीक है। उसके अलावा जैसे GST इंस्पेक्टर है, ठीक है, प्रिवेंटिव ऑफिसर है, ये जो पोस्ट हैं इनको CPT वाली पोस्ट में काउंट किया गया, तो यहाँ पे कंप्यूटर के भी मार्क्स देखे जाएंगे। तो अगर आपके कंप्यूटर में मार्क्स ठीक ठाक हैं तभी आप इस पोस्ट को चूज़ करिए। तो यहाँ से आपका डाउट जो है वो क्लियर हो पाया होगा कि किन किन पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। उसके अलावा आपका जो स्कोर कार्ड है वो क्या गवाही दे रहा है कि आप कहाँ पे जाओगे, ठीक है। उसके अलावा आपका टेस्ट का किस तरीके से परफॉर्मेंस रहा है। मान लेते हैं जो टाइपिंग वाली पोस्ट है, ठीक है, ये तीसरा पॉइंट है कि टाइपिंग वाली जो पोस्ट है, ठीक है, उसके बारे में अगर आप कहेंगे तो मैं बना दूंगा वीडियो कौन कौन सी पोस्ट है जिनमें टाइपिंग का हाई स्टैंडर्ड आपको, मतलब जो है एलिजिबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपका अच्छी एक्यूरेसी के साथ आप जो है टाइपिंग क्वालिफाई किए हैं तो उन पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। अगर नहीं क्वालिफाई किए तो फिर आपको देखना है कि कौन कौन सी पोस्ट में आप जा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा चौथा पॉइंट क्या है, CPT वाला क्राइटेरिया। आपकी क्या किया है कि CPT को हटा के कंप्यूटर को वहाँ पर डाल दिया गया है कि CPT की जगह पर आपके कंप्यूटर की हाई कट ऑफ बनेगी, ठीक है। तो अगर कंप्यूटर में अच्छे मार्क्स हैं
तब तो आप सीपीटी वाली पोस्ट, जिन पोस्ट के लिए सीपीटी होता था, उन पोस्ट में जा सकते हो। अगर नहीं अच्छे मार्क्स हैं तो फिर आपको देखना होगा कि आपको कौन सी जो पोस्ट हैं उनको प्रेफरेंस में देना है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जितने पॉइंट बता रहा हूँ उनको आप ध्यान से समझ लीजिए, इससे आपको बहुत कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा जैसे मान लेते हैं आपको होम पोस्टिंग चाहिए, तो होम पोस्टिंग अगर चाहिए तो आपको कौन कौन सी जो पोस्ट है वो दिला सकता है। उसके अलावा होम पोस्टिंग इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आप रहने वाले कहाँ के। मान लेते हैं आप दिल्ली के हैं तो दिल्ली में तो सभी जॉब आपको होम पोस्टिंग दिला सकती हैं, लेकिन फिर आपके मार्क्स कितने अच्छे हैं इस बात पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। तो उसके अलावा अगर आप मान लेते हैं साउथ के हैं तो साउथ में तो आपको प्रिवेंटिव ऑफिसर भी जो है बहुत आसानी से होम पोस्टिंग दिला देगा, जीएसटी इंस्पेक्टर भी दिला देगा, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की भी साउथ में अच्छी वैकेंसी होती है। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। लेकिन एक नॉर्मल बात की जाए, जैसे अगर आप नॉर्थ साइड के हैं, ठीक है, तो आपके लिए ऑडिटर बेस्ट रहेगा, TA CBDT बेस्ट रहेगा, PASA ये भी बेस्ट रहेगा, ठीक है। लेकिन PASA और CBDT में अगर आपको एक चुनाव करना हो तो TA CBDT ज़्यादा बेहतर रहेगा। PASA में वर्कलोड जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखो। उसके अलावा अगर आपको दिल्ली पोस्टिंग चाहिए तो दिल्ली पोस्टिंग के लिए ASO आप ले सकते हो, CGA ले सकते हो, CGA अकाउंटेंट ले सकते हो, ऑडिटर ले सकते हो, TA ले सकते हो, GST ले सकते हो और PSA ले सकते हो। बाकी दिल्ली में तो मैंने बता दिया कि सारी पोस्ट आपको मिल जाएंगी, लेकिन आपके मार्क्स तो अच्छे होने चाहिए। तो यहाँ पे इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि आपके मार्क्स कितने हैं, ठीक है। मान लेते हैं कम मार्क्स हैं आपके, तब तो फिर आपको ऑडिटर से ही काम चलाना पड़ेगा, ऑडिटर मिल सकता है। उससे भी कम मार्क्स है तो TA में काम चलाना पड़ेगा, उससे भी कम मार्क्स हैं तो आपको PSA से काम चलाना पड़ेगा। तो सारी जो सिचुएशन है वो अपना स्कोर कार्ड भी देखिए और क्राइटेरिया भी देखिए, उससे जब चीज़ों को रिलेट करोगे तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। उसके अलावा अगर मान लेते हैं आपके दिमाग में सैलरी है, ठीक है, कि आपको अच्छी सैलरी पे जॉब करनी है, ठीक है, तो आप MEA में जा सकते हो। लेकिन MEA में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में सभी तो नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पे अगर आपके 330-320 से ऊपर नंबर है तभी आप सोच सकते हो कि आपको ये मिल सकता है, ठीक है। AAO में जा सकते हो, CBI में जा सकते हो, GST इंस्पेक्टर में जा सकते हो, यहाँ पर सैलरी आपको अच्छी मिलेगी। मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है कि अलग अलग हिसाब से, जैसे सैलरी अगर आप देखते हो तो आपके लिए कौन सी पोस्ट अच्छी हैं, यूनिफॉर्म के हिसाब से देखते हो तो कौन सी पोस्ट अच्छी हैं, और फिर आप अपना स्कोर कार्ड रखो और फिर जस्टिफाई करो कि आपको कहाँ पे जाना है, ठीक है। अगर हम यूनिफॉर्म की बात करें, जैसे आपको मान लेते हैं कि वर्दी वाली जॉब अच्छी लगती है, ठीक है, तो वर्दी वाली जॉब कौन कौन सी है, जैसे कि GST इंस्पेक्टर है, यहाँ पे आपको वर्दी मिलेगी, ठीक है। प्रिवेंटिव ऑफिसर है, यहाँ पे आपको वर्दी मिलेगी, तो इन पोस्ट में आप जा सकते हो, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको UPSC की प्रिपरेशन करनी है तो आप डिविजनल जो अकाउंटेंट है वो चुन सकते हो। यहाँ पे वर्कलोड बिल्कुल भी नहीं होता नाम मात्र का। ढेर सारे जो डिविजनल अकाउंटेंट है वो छुट्टी पे भी रहते हैं, मतलब काफ़ी कम वर्कलोड रहता है, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको पावर वाली जॉब चाहिए तो आप CBI चुन सकते हो, ED चुन सकते हो, MEA चुन सकते हो, GST इंस्पेक्टर चुन सकते हो, ठीक है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर चुन सकते हो। यहाँ पे मतलब सोशल रिस्पेक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा, सोशल रिस्पेक्ट इन द मतलब आप शुरुआत में आपकी पावर नहीं होगी तो आपको ही पता है, लेकिन समाज में इन पोस्ट को एक अच्छे तरीके से देखा जाता है, तो सोशल रिस्पेक्ट भी कहीं ना कहीं इंसान के दिमाग में रहती है। तो CBI में जॉब करते हो अगर आप तो एक अलग तरीके से आप देखे जाते हो, ED में अगर जॉब करते हो तो अलग तरीके से देखे जाते हो, अगर GST इंस्पेक्टर हो, MEA में हो या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो तो इनका अलग रुतबा है, ठीक है। तो इससे आपके ढेर सारे डाउट जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अब बात कर लेते हैं जिन बच्चों का 270 से ऊपर स्कोर है, और बहुत ज़्यादा नहीं है, 270 से वो 290 या 300 की रेंज में आ रहे हैं, ठीक है, और वो चाहते हैं कि उनको होम पोस्टिंग मिल जाए और स्पेशली वो नॉर्थ के हैं, नॉर्थ की तरफ के हैं। तो देखो, भरने को आप बहुत कुछ भर सकते हो, लेकिन मिलेगा तो वही जो आपका स्कोर कार्ड गवाही देगा, ठीक है। तो अगर आप इस रेंज में आ रहे हो और आपको घर पे मतलब होम पोस्टिंग चाहिए तो ऑडिटर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, TA CBDT बेस्ट ऑप्शन हो सकता है और PSA हो सकता है, ठीक है। तो अगर जैसे मान लेते हैं जो बच्चे कम मार्क्स वाले, जैसे कि 250 से 270 जिनके बच्चों के मार्क्स बन रहे, तो आप प्रेफरेंस भले कितना भी भर दो वो मिलना तो है नहीं, मिलेगा तो यही। तो आप जो सबसे जो नीचे डालोगे इन पोस्ट को आप जरूर डालो, PSA जरूर डालो, ताकि अगर कम कटाप जाएगी तो कम से कम ये मिनिमम जो पोस्ट है आपको ये तो कम से कम मिल जानी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपका प्रेफरेंस का तरीका रहेगा। बाकी अगला जो वीडियो है उसमें हम अच्छे तरीके से चीज़ों को क्लियर करेंगे डिस्ट्रीब्यूट करके, कि अगर 250 से 270 के बीच में मार्क्स हैं तो आपके लिए क्या प्रेफरेंस रहेगा, 270 से अगर आपके 300 की रेंज में मार्क्स हैं तो क्या बेस्ट प्रेफरेंस रहेगा, 300 से
अगर प्लस आपके मार्क्स है तो आपके लिए क्या बेस्ट प्रेफरेंस रहेगा उसके बारे में बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के थ्रू आपके ढेर सारे जो डाउट हैं वो क्लियर हो पाए होंगे। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।